अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इस्सेम रहीमुद्दीन खादरी। आज मैं आप लोगों को एक दिल दहलाने वाला वाकया सुना रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। आज मैं कमिश्नर साहब के पास शेख शाहिद, जो मेरा छोटा भाई, जो मेरा बेटा बोलता था, मैं उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दे चुका हूं कमिश्नर साहब के पास, और पहाड़ी शरीफ PS पे जाके मैं SHO से मिलकर शेख शाहिद, जो मेरा बड़ा बेटा बोलता था, मैं जो मेरा छोटा भाई है, मेरा अजीज़ बोलता था, उसके ख़िलाफ़ मैं पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूँ। शेख शाहिद को मैंने मेरे घर के चाबियाँ दी थी चंद्रगुट्टा PS में, जब पुलिस वाले मुझको पकड़े थे 8 सितंबर के टाइम। चंद्रगुट्टा SI वेंकटेश साहब के सामने मैंने शेख शाहिद को पूरे घर के चाबियाँ दिया था, मैं अलमारी के चाबियाँ भी दिया था, मेरे लॉकर के, गोदरेज तिजोरी है मेरे पास, उसके अंदर मेरे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेरे बीवी का 11 तोले सोना और 3,25,000 रुपये कैश शेख शाहिद ने चोरी कर ली। ये देखिए आप लोग, मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे नाम पे है, जो मेरी बेटी की शादी में मैं घर दे रहा हूँ 100 गज का, मेरी बेटी के नाम पे करा, दोनों बेटियों को बना के देना है मेरे को। ये एक मीटर देखिए जो मेरे नाम पे है, और ये लाइट का बिल देखिए जो मेरे नाम पे है, ये मीटर देखिए जो मेरी बेटी नबिया खादरी के नाम पे है, और ये देखिए लाइट की बिल जो मेरे नाम पे है, और ये और एक प्रॉपर्टी के पेपर मीटर जो मेरे नाम पे है। ये तमाम पेपर शेख शाहिद ने चोरी कर ली और 3,25,000 चोरी कर लिया, और मेरे बीवी का 11 तोले सोना चोरी कर लिया। मेरे घर को तोड़ने वाला शेख शाहिद, जो मेरी बीवी को माँ कहता था, छोटा भाइयों कहता था, शेख शाहिद एक छोटा सा बच्चा, 22-23 साल का बच्चा समझा, मेरी बीवी 40 साल की, मैं 42 साल का, हम लोग एक बेटी के जैसा उसको चाहते थे। एक ऐसा दिल को दुखा दिया उन्हें, उसको कुछ कभी नहीं करा मैं। 6 साल से उसको बेटा बना के रखा, मेरी बीवी बेटा बोलती उसको। आप देखिए 22 साल की उम्र का, मेरी बीवी 40 साल, यानी 40 साल के मेरी बीवी है, मैं 42 ईयर्स का हो गया। आज मेरे घर को तबाह कर दिया शायद, मेरे घर को तबाह कर दिया। बड़े बोलते थे कि घर के बाहर रखो, अंदर मत बुला, मैं अंदर बुलाया। आज मेरी बीवी बच्चे दूर हो गए, मेरी बीवी को इतने गंदी गाली दिया उन्हें शेख शाहिद साबित कर रहा है मेरी बीवी को, जो उन्हें इतनी गंदी गाली दिया, जो 10 आदमी के साथ मेरी बीवी का रिश्ता की गाली दिया उन्हें। आज मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी नाहिदा खादी के भी आँखा खुल गए होंगे, आज मेरी बेटी नबिया खादी के भी आँखा खुल गए होंगे, आज मेरा साला परवेज जो मेरा भाई है उसके भी आँखा खुल गए होंगे, आज फैज के भी आँखा खुल गए होंगे। परवेज मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, फैज तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं मेरे साथ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये शेख शाहिद घर को तोड़ दिया। शेख शाहिद के वाली साहब को बोला मैं पुलिस कंप्लेंट करता हूँ, बोला तो शेख शाहिद के वाली साहब बोले कि पेपर भी घर के आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मेरे, वो भी आपको मिल जाते हैं, आपके बीवी का सोना भी आपको मिल जाता, 3,25,000 भी आपको मिल जाते हैं, शायद किसी और के पास रखा। जैसे बात शेख शाहिद के भाई छोटे भाई जायद को मालूम हुई तो जायद बोला शायद दे दे ना, वरना मैं मर जाता हूँ, शायद मैं मर जाता हूँ, मियाँ बीवी को तो कहीं को लड़ा रहा, मैं मर जाता हूँ बोल के शायद का भाई बोला। जायद दीवार गुट से मान लिया मैं मर जाता हूँ, पेपरा दे दे, सोना दे दे, उनके डॉक्यूमेंट्स दे दे ओरिजिनल, और मैं नाहिदा खादरी आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं तहे दिल से मैं नाहिदा खादरी आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ, बच्चों से माफ़ी चाह रहा हूँ, आ जाओ तुम लोग घर को आ जाओ। इतने लोग नाहिदा खादरी को समझाने के लिए जा रहे हैं, तो नाहिदा खादरी मशवरा शेख शाहिद से कर रहे थे 2 दिन पहले तक। कई जने मेरे खाला सास गए, मेरे खलेरे साले, मेरा पूरा मेरा ससुराल गया नाहिदा खादरी को समझाने, ऐसी क्या गलती हो गई। अगर मैं गलती नहीं भी करा, अगर मैं नहीं भी करा तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ कर दो मेरे को नाहिदा कादरी, नबिया कादरी, आपरा अरबाज माफ़ कर दो बेटे, घर को आ जाओ तुम लगा। आज देखे ना शेख शाहिद रोड पे ला लिया इज्जत को, नाहिदा कादरी की इज्जत को रोड पे ला लिया, SM रहीमुद्दीन खादरी के 20 बच्चों की इज्जत को रोड पे ला लिया। नाहिदा कादरी तुम न्यूज़ चैनल चलाते बोल रहे ना, ठीक है न्यूज़ चैनल चलाओ तुम, आ जाओ घर को, कलर के बुरखे पहनते बोल रहे हैं आप, पहनो कलर के बुरखे, आ जाओ तुम, जिद छोड़ो नाहिदा कादरी, हाथ जोड़ के बोलो मैं जब तक तुम नहीं आएंगे मैं ऐसे रहूँगा। मैं तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मीडिया वाले जो हमारे मेरे 20 बच्चों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तमाम मीडिया वालों को हाथ जोड़ के मैं यानी कि शुक्र अदा करता हूँ, मीडिया वालों का मैं शुक्र अदा करता हूँ, जो पूरी मीडिया 20 बच्चों को मिला रही, मेरे 20 बच्चों को मेरे से मिला दो, मैं
मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ दे रहा, कमिश्नर साहब मेरा साथ दे रही, पहाड़ी शरीफ पीएस मेरा साथ दे रहा, जो इंक्वायरी कर रहे हैं। आज नाहिदा खादी को इतने गंदे गंदे गालियां दे रहा, बेटा समझ के भाई, बेटा समझ के हम लोग पाल पोस के बड़ा करे, शायद के घर में राशन से पैसे से उसके अब्बा को खर्चे को पैसे देना, कोटा रखे हुए, मेरे स्टडियो में न्यूज देता था, 6.5 लाख का स्टडियो बना उसके लिए मुझे, आज मेरे प्रॉपर्टियों पे नजर रख के बैठा शाहिद। शाहिद बोला कि परवेश को लेके इसके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना, तो बोला मेरे प्रॉपर्टी के, मेरी बच्ची के प्रॉपर्टी के। शायद बोला कि डुप्लीकेट पेपर बना, तो बोला परवेश को लेके, मैं शक के दौरान मैं परवेश और फैज के नाम पे भी कंप्लेन दिया, लेकिन परवेश फैज भी ऐसे नहीं है, क्योंकि शायद मेरी बीवी नाहिदा खादी को पूरी तरीके से भटका दिया, मेरी बीवी नाहिदा खादी बगैर शायद के मशवरे के मेरे घर पर नहीं आ रही, लेकिन 2 दिन में मेरी बीवी नाहिदा खादी की भी आँख खुल गए, मेरी बेटी नाहिदा नबिया खादी की भी आँख खुल गए, और परवेश फैज की भी आँख खुल गए। परवेश फैज मेरे साथ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बी बच्चों को भिजा दो, मैं खुद आगे पैर पड़ के मेरे बी बच्चों को लेके जाता हूँ। अब तमाम लोग जितने भी जने वीडियो देख रहे हैं, मेरे लिए दुआ करिए, मेरे बी बच्चों के लिए दुआ करिए। नाहिदा खादी आप आके न्यूज़ चैनल चलाते बोल रहे ना, मैं रखो बोला था ना, आप न्यूज़ चैनल चला लो, आप कलर के बुरखे पहनो, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम आ जाओ। मैं तमाम लोगों से दुआ की अपील कर रहा हूँ मेरे बी बच्चों के लिए, और मीडिया वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शेख शाहिद जो मेरा घर तोड़ा, जो अपनी अब मेरी बीवी को माँ बोलता था, माँ मेरी सगी बहन से बढ़ के मेरी माँ यादारी बोलता था, 22 साल का बच्चा, मेरी बीवी 40 साल की, 40 ईयर्स की मेरी बीवी नाहिदा खादी, मैं 42 ईयर्स का, पता नहीं नीयत खराब करा। और नाहिदा खादी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई शेख शाहिद आपको ब्लैकमेल कर रहा, खुल के बोलो, परवेश को बोलो, फैज को बोलो, मेरे को बोलो, उन्हें खुल के कुछ आपको ब्लैकमेल कर रहा क्या नाहिदा खादरी, कुछ राज है क्या, आप मेरे को बोलो, मैं शोहर हूँ आपका, परवेश सगा भाई है, फैज सगा भाई है, शायद से न को डरो आप, शायद से मत डरो, या तो कोई मीडिया को बोलो, कोई सीनियर मीडिया के, कोई आपके बड़े हैं ना सीनियर चेयरमैन मीडिया वाले, उनको मिलकर मशवरा करो, शायद आपको ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे को मालूम कुछ ना कुछ बात है जो शायद आपको ब्लैकमेल कर रहा है नाहिदा खादरी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शेख शाह से मत डरो, आपका शोहर आपके साथ है, सैयद परवेज आपके साथ है, आपका भाई फैज आपके साथ है, आपकी अम्मी आपके साथ है, आपका खानदान आपके साथ है, बस भाई मेरे बी बच्चों को मुझे मिला दो, मैं मेरे बी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। मेरे बच्चे कॉलेजों में जा रही, मेरे बच्चे कैसा खा रहे होंगे, कैसा पी रहे होंगे, मेरे बच्चों को मैं फूलों में रखा, मेरे बीवी को फूलों में रखा, खिला पिला के। हैदराबाद शहर की कोई सी होटल ने बची जो मैंने खाना नहीं खिलाया, हैदराबाद शहर का कोई आदमी नहीं है जो मैं मेरी फैमिली को मेरे को नहीं पहचानता, पूरा हिंदुस्तान घुमाया, बम्बई दिल्ली सब जगह लेके गया मेरे बीवी बच्चों को। आशेख शायद मेरे घर को तोड़ दिया, आशेख शायद मेरे बच्चे के जैसा पाला मेरे को, शेख शायद को भाई मेरे को कानून के ऊपर भरोसा है, मेरे को पुलिस के ऊपर भरोसा है, बस कानून पुलिस वाले मेरे बीवी बच्चों को मेरे से मिला देना, मैं हाथ जोड़ के रिश्ता कर रहा हूँ, मेरे खानदान मेरा ससुराल वालों से भी, मैं जिसका दिल दुखाया मीडिया वालों को भी कुछ गलत भाला करा तो मेरे को माफ़ कर दो, मैं बीवी के लिए लड़ा सबसे, मेरी बीवी के लिए सबसे लड़ा, लेकिन आज मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है। मैं तमाम मीडिया वालों से कुछ भी गलत बोला मेरे को तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, और सैयद सलीम साहब जो मेरे बीवी को मिलाने के लिए, मेरे को मिलाने के एक वॉइस भेजे, सैयद सलीम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सोशल वर्कर का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बस सैयद सलीम साहब से एक रिक्वेस्ट है कि औरतों के बारे में आप गलत मत बोलो, वो भी किसी की बेटी रहती, किसी की बहन रहती, किसी की बीवी रहती। सैयद सलीम साहब को मैं दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए मेरी बीवी के लिए मिल जाओ बोल के दुआ करे, बोल के एक वॉइस सुनाई मेरे को कुछ लोग, वो भी एक मुसलमान है सैयद सलीम साहब, अल्लाह ताला उनकी भी दुआ कबूल करे, हर दुश्मन की दुआ कबूल करे, मेरे बी बच्चों को मेरे से मिला दो। और नाहिदा खादरी बोल रहे कि चैनल डालती हूँ, मैं अलग शुरू करती हूँ, असल चेयरमैन NRK 24 उसका मैं हूँ, और नाहिदा खादरी 50%, मैं 60% हूँ, नाहिदा खादरी 40% है, कैसा चैनल चला सकते हैं आप जब तक आपका शोहर आपको इजाजत दे दिया। आप मेरी बेटी से न्यूज़ चलाते बोल रही, कोई भी बाप बेटी से न्यूज़ चला सकता है क्या? मेरी बेटी को मेरे को शादी कराना है, जहाँ मेरी बच्ची पसंद करी बच्चे को वही बच्चे से शादी कराना है, जहाँ आप बोल रहे नाहिदा खादी वही बच्चे से शादी कर देंगे, अपन हंसी खुशी रहेंगे, बच्चों के शादियाँ कर देंगे, ये प्रॉपर्टियाँ भी मैं बच्चियों के नाम पर कर देता हूँ, मैं ये जितने भी प्रॉपर्टियाँ पैसा गाड़ियाँ सब बच्चियों के नाम पर कर देता हूँ, बच्चों के भाई तुम आ जाओ, बस तुम आ जाओ। और एक बात मैं सारी आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि शेख शाहिद ने नाहिदा खादी को भटका कर एसके मज़र और विखार डक्कन एहसान अमूदी यानी अयान अमूदी दोनों के ऊपर फेक केस बुक करे चंदा गुट्टा PS में 324। मैं उस बात का गवाह हूँ, शेख शाहिद नाहिदा खादी को भटका कर एसके मज़र
और एहसान हमूदी शेख शाह को मारे, हमला करे बोलकर जो केस बुक कराए वो केस झूठा था। और मैं शेख शाह तुमको बताऊंगा, अब मेरे वकीला लड़ेंगे एस के मजहर का एहसान हमूदी का केस, मेरे वकीला, मालूम है ना मेरे वकीला कैसे। और मैं नाहिदा खाजी से कहना चाह रहा हूँ कि शेख शाह की बातों में मत आओ, क्योंकि पर्दे और उठने वाले हैं, पर्दे जो ढपे हुए हैं ना, नाहिदा खाजी, शेख शाह, मेरे को मजबूर मत करो, ऐसे पर्दे उठेंगे जो तुम्हारा बेगू जेल में पहुंचाने की सोच रहे, खुद नाहिदा खादरी पर शेख शायद जेल को चलेंगे। मैं नाहिदा खादरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, घर को आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ, प्लीज़ घर को आ जाओ। और शेख शाहिद जो चंद्रा गुट्टा न्याना बोला, मैं पूरी आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग वॉइस सुने और मीडिया वाले भी उसकी वॉइस सुने कि किस तरीके से उन्हें, मैं मेरे बी बच्चों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो शायद शेख शायद कह रहा है मेरे को फ़ोन पे कि तू चंद्रा गुट्टा बाबा नगर आ जा, मैं तेरी गर्दन काट लेता हूँ। तो तू क्यों मेरे को मेरे बी बच्चों से जुदा कर रहा, क्यों मेरी गर्दन काट रहा, मैं बी बच्चों से मिलने जा रहा हूँ उसको, ऐसा कोसा राज है शेख शायद के पास, नाहिदा खादरी के पास, जो मेरी गर्दन काटता हूँ बोल रहा शेख शायद। और नाहिदा खादरी कुछ नहीं बोल रही कि मेरे शौहर की गर्दन तू क्यों काटता शेख शायद, मैं मेरे बी बच्चों के लिए मरने भी तैयार हूँ, मेरे बी बच्चे बोल दिया तो मैं ट्रेन के ऊपर जाके मर जाता हूँ, फांसी लेके मर जाता हूँ, खुद को चाकू मार लेता हूँ। आखिर कोसा राज है जो शेख शायद मेरे को बी बच्चों से नहीं मिलने दे रहा, चंद्रान गुट्टे में मर्डर कर देता हूँ बोल रहा, गर्दन काट देता हूँ बोल रहा, पूरी आवाम सुनी। और कई लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मीडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को हक का साथ दे रही मीडिया, बस मेरे बी बच्चों से मेरे को मिला दो, बस भाई मेरे लिए दुआ करो, बस मेरे को पुलिस पे खानून पे पूरा भरोसा है, पुलिस मेरा साथ देंगी, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर मेरा साथ देंगे, रचाकोंडा पुलिस मेरा साथ देंगी, बस खुदा हाफिज़ भाई, खुदा हाफिज़।